पांच सूबों के चुनाव को लेकर दिल्ली में CWC की बैठक हुई है, जिसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की वकालत की, तो प्रशांत किशोर के काम को लेकर नाराजगी की खबरों को दरकिनार कर दिया। दिल्ली में CWC की बैठक के बाद एक बार फिर से कांग्रेस की कमान राहुल गांधी को सौंपने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर से कहा कि राहुल गांधी को अब कांग्रेस की कमान सौंप देनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, कैप्टन ने कहा कि सोनिया गांधी भी राहुल गांधी को अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपना चाहती है। प्रधान बन जान तो बड़ी अच्छी गल होगी, कांग्रेस प्रेसिडेंट भी चाहते हैं कि राहुल जी आएं और मेरा ख्याल सारे लोग चाहते हैं कि आ जाएं। उधर CWC की बैठक में चर्चाएं थी कि प्रशांत किशोर की भूमिका को लेकर यूपी और पंजाब के नेता नाराज हैं, पर कैप्टन ने इन चर्चाओं को दरकिनार करते हुए कहा कि पंजाब के साथ प्रशांत किशोर की टीम अच्छा काम कर रही है, वह भी प्रशांत किशोर के साथ अपनी कैंपेनिंग को आगे बढ़ा रहे हैं।